आदाब एनकरेज टुडे में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मदीन इकबाल। आपको मैं बता दूँ, फिर से डोडा में रिवर राफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। और मैं आपको बता दूँ, इसकी जो इनाग्रेशन थी वो डिप्टी कमिश्नर डोडा और एसएसपी डोडा के तहत हुई। रिवर राफ्टिंग का यही मकसद था कि जितने भी टूरिस्ट डोडा भद्रवाह के अंदर आते थे वो कहीं ना कहीं रिवर राफ्टिंग से कहीं ना कहीं मायूस रहते थे। अब वो फिर से एक बार इनको बताया गया कि रिवर राफ्टिंग फिर से स्टार्ट की गई है, तो आप जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं जो डोडा भद्रवाह में आते हैं और उनको कहीं ना कहीं रिवर राफ्टिंग का लुत्फ़ उठाना है तो वो डोडा भद्रवाह में आ सकते हैं और इसका लुत्फ़ आराम से उठा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि डिप्टी कमिश्नर डोडा ने कहा है कि जो ये विंटर फेस्टिवल है ये भी इसका एक हिस्सा रहेगा। जो आपको मैं बता दूं कि ये जो गुल्ली डंडा वगैरह, हमारे जो जाई वैली है, गुल्ली डंडा है, पदरी है वगैरह, यहाँ पे जो मनाया जाएगा विंटर फेस्टिवल, और लास्ट पे जो 31 दिसंबर को जो हमारे फिश पॉन्ड में मनाया जाएगा, और उससे पहले जितने भी ये प्रोग्राम्स हैं ये अलग अलग लोकेशन पे कराए जाएंगे। और हमारी यही गुजारिश है कि जितने भी लोकल्स हैं या बाहर से जितने भी टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे, उनको वहाँ पे आना है और लुत्फ़ उठाना है हर एक चीज़ का। वहाँ पे आप म्यूज़िकल नाइट्स होंगी वहाँ पे, और वहाँ पे आप स्नो देख सकते हैं, फर्स्ट स्नोफॉल जो हुआ था वहाँ पे। और वहीं ना कहीं ना कहीं डिप्टी कमिश्नर डोडा ने कहा कि इस चीज़ को देखा जाए, इस चीज़ को वहाँ पे इंजॉय किया जाए, क्योंकि पहले भी वहाँ पे टूरिस्ट आते थे और इन सब चीज़ों का लुत्फ़ नहीं उठाते थे। अब वो कहीं ना कहीं वहाँ पे आएंगे और इन सब चीज़ों का लुत्फ़ उठाएंगे। ये वो खबर है जो आप तक मैंने पहुँचाने की कोशिश की। आपको मैं बता दूँ फिर से एक बार कि डिप्टी कमिश्नर डोडा ने रिवर राफ्टिंग का फिर से स्टार्ट किया गया है, और जितने भी लोग हैं जो भी राफ्टिंग करना चाहते हैं वो शिवनोत डोडा प्रेमनगर के शिवनोत में आ सकते हैं और वहाँ पे राफ्टिंग कर सकते हैं। ये खबर थी जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त और आप देखते रहे एनक्वायरी टुडे।